ने क्या कहूँ, काय माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल DMR राशिफल में। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 10 मई दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा, और कुंभ राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे कुंभ राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों, आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों, आपकी भी कुंभ राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, आज का दिन सोमवार है, भोले शंकर भगवान का दिन है, भोले शंकर भगवान की पूजा अर्चना करें। मित्रों, और कमेंट में जय भोले शंकर भगवान लिखें, भोले शंकर भगवान आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों, वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, अब बात करते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आलसी व्यक्ति को सफलताओं में बड़ी बाधा आती है, और आलस के चलते व्यक्ति को अपने कामों में धैर्य पूर्ण नहीं कर पाता, जिसके कारण उसे जॉब और करियर में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और इसलिए व्यक्ति को आलस का त्याग करना चाहिए। चाणक्य जी की माने तो व्यक्ति को अनुशासित जीवन शैली अपनाना चाहिए, इससे आलस को दूर किया जा सकता है। और चाणक्य जी के अनुसार व्यक्ति को हर दिन पर एक योजना बनाकर कार्य करना चाहिए, ऐसा करने से सभी कार्य पूरे और मदद मिलती है और आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। चाणक्य जी के अनुसार जो लोग अपनी योजना बनाकर कार्य करने का प्रारंभ करते हैं उन्हें सफलता मिलने में संभावना रहती है, और कम धैर्य बनाए रखें। चाणक्य जी कहते हैं व्यक्ति को किसी भी परिस्थितियों में मुताबिक परिणाम अच्छे आते हैं, और ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को धैर्य का त्याग करना चाहिए और पुनः लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लोग जरा सी असफलता मिलने पर धैर्य खो बैठते हैं, वे सफलता से विचित रह जाते हैं। मित्रों, यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पाचांग के बारे में। पाचांग 10 मई दिन चल रहा है, सोमवार तिथि चल रही है, चतुर्दशी नक्षत्र चल रहा है, अश्विनी ऋतु चल रहा है, वसंत ऋतु पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 5:40 पर और सूर्यास्त होगा 5:56 पर। आज का शुभ समय 8:32 से 9:48 तक। आज का अशुभ समय 9:56 से 11:58 तक। आज कुंभ राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 3 है, और भाग्यशाली दिशा पूर्व है, और भाग्यशाली रंग ग्रे है। मित्रों, अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि, आज लंबे समय से दोस्तों को देखकर खुश होंगे, और परिवार के सदस्यों द्वारा खुशी का माहौल होगा, और नए लोगों के साथ दोस्ती होगी, भाई द्वारा अनुकूल लाभ होगा, और अपने सच करने की कोशिश करेंगे, और गुस्सा राही पहाड़ बन सकता है, जो आपको गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करनी होगी, और छोटे भाई बहनों के अपने आय राय मांग सकते हैं, विवाद मुद्दों से दूर रहें, और आज का दिन अज्ञात भय महसूस करेंगे। ऑफिस के जो भी कार्य हैं उन्हें मन लगाकर पूर्ण करेंगे, और आप व्यापार में विक्री करेंगे, और आज का दिन सामान्य रहेगा, और वाघ माँ के स्वास्थ्य को लेकर कुछ विशेष ध्यान रखेंगे, और आज इनकम में ठीक ठाक रहेगी, प्रेम जीवन बिता रहे लोग, आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा, और प्रिय के दिल में जगह बनाएंगे, काम के सिलसिले में दिनमान अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के आज कार्य क्षेत्र में और पारिवारिक दोस्तों के साथ बीच बैलेंस बनाते हुए कार्य करेंगे, जरूरी काम काज में व्यवस्थित कार्य आज फोकस करेंगे, और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, और कार्य क्षेत्र में स्थिति रहेगी, माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी, समृद्धि बढ़ेगी, आय में नए स्रोत बनेंगे, और फिर आपको पूरे तरीके से सफलता मिलेगी, आपकी शिक्षा दिशा परिवर्तन होगा, शिक्षा की ओर से आपको रुचि बढ़ेगी, नए कार्य सीखने में सफल होंगे, और आप अपनी बातों को सत्य साबित करने में भी सफल होंगे। सावधान रहकर कार्य करने दिन हैं, और रहस्य दूर को न बताएं, कोशिश करें कि व्यर्थ की तर्क को तर्क बातों से दूर रहें, और माता पिता गुरु के प्रति निष्ठा भक्ति भाव में वृद्धि होगी, और पारिवारिक मामलों में साझेदारी लेंगे, और लंबे समय से रुका हुआ धन मिलने की संभावना है, मेहमान आने से खर्च बढ़ेंगे, और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, सायकाल कुछ चोट के भय बन सकते हैं और पूर्ण रूप से महसूस करेंगे। आज का दिन अनुकूल रहेगा, और
काम में देरी हो सकती है, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे, बड़ी बहन से उपहार प्राप्त होगा, दोस्तों के साथ रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा और घर के सामानों में खरीदारी होगी, रिश्तेदारों से मिलना होगा, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, वहीं ये आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और कार्य बेवजह खर्च पर परहेज करें और अपने लिए बेहतर करेंगे और व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ेगी और कुछ सामाजिक धार्मिक कुर्यों में विक्रय आएंगे और पारिवारिक अशांति विशेष रूप से आशंका है। स्वास्थ्य में मां के ध्यान भी कुछ रखेंगे। आज के दिन शिकायतें दूर करनी होगी, बाहर से नौकरी के अवसर देखेंगे और सफलता प्राप्त होगी, कारोबार बड़े निवेश तैयार मिलेंगे, युवा वर्ग मनपसंद कोर्स कर सकते हैं, करियर संबंधित में फोकस करेंगे और स्वास्थ्य को लेकर कमर दर्द परेशान करेगी। खास तौर पर ये महिलाओं के लिए सावधान रहें, घर को लेकर भावनात्मक फैसले लेने होंगे, कोशिश करें कि निष्पक्ष रह लें और पारिवारिक सभी का सहयोग मिलेगा, कारोबारिक वर्ग में समझदारी मिलेगी और पुराना अनुभव फायदेमंद रहेगा, इसका लाभ उठाएं, किसी को दिया हुआ उधार मिल सकता है। युवा वर्ग आत्मविश्वास से बचना होगा और करियर पर फोकस करें, फिलहाल ग्रह की स्थिति अच्छे मुनाफे का इशारा करेगी और आज का दिन आपको घर की हालात सुधारने की पुख्ता प्लानिंग करनी होगी। कारोबार कर रहे हैं तो बिक्री बढ़ाने के नए प्लान देखेंगे, नौकरी कर रहे हैं तो परिश्रम करेंगे और आज वाहन चला रहे हैं तो मन एकाग्रित कर चलाएं, मोबाइल पर बात करना या संगीत सुनने में मगन होने से दूर रहें और स्वास्थ्य को लेकर स्थिति सामान्य रहेगी, सर्दी खांसी को सांस लेकर तकलीफ महसूस करना करेंगे और संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आज आपको सदस्यों से संबंध में कुछ खराब सी महसूस होगी और सदस्यों के साथ विवादों में आज सामान्य बनाने में काम करना होगा। व्यापार कर रहे हैं तो संभव है कि छोटी यात्राएं कर सकते हैं, आपको व्यापार में आर्थिक लाभ होगा और आज का दिन अधिक से अधिक संपर्क में आएंगे और इनकम में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आज का दिन अच्छा रहेगा और आपको सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज अपने रिश्तों में प्यार देख कर काफ़ी खुश होंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं क्योंकि आज आप खर्च के योग बनेंगे और आज हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। पारिवारिक जीवन में मानसिक उपवाह होगा और आय में नए साधन बनेंगे और मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी और आर्थिक स्थिति में वृद्धि और रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, निरंतर भागदौड़ की स्थिति रहेगी लेकिन कुछ ध्यान रखने की भी कोशिश करेंगे। मित्रों यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।